सोचो क्या उसके कहने पर वो मनुष्य शरीर धारण करता है? नहीं भाई, वो तो उसके लिए तो लिखा जाता है कि लीन मनुज अवतार अमनिज इच्छा। खंड की इच्छा है कि खंड की इच्छा है? निज इच्छा निर्मित तल माया गुण को पार। उसका शरीर किस प्रकार का बनेगा ये उसकी इच्छा पर निर्धारित करता है। जैसे अपने सनातन धर्म में 24 अवतार माने जाते हैं, बताओ कौन श्रेष्ठ आदमी हुई समाज का? भगवान संसार के सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए भगवान कहे जाते हैं। और भगवान आप किसी को बड़ी गद्दी में बिठा रहे हैं, जैसे आपके गांव का जो मुखिया है वो सीधी बात है, और ऐसी बात ऐसा उदाहरण हो कि लोगों को समझ में आए। आपके गांव का मुखिया है और मान लीजिए आपने उसको 5 साल के लिए नियुक्ति पत्र पकवा दिया और उससे कह दिया कि अगर एक दिन सफाई कर बिना तो आपके गांव का मुखिया नहीं खड़ा होगा कि जब झाड़ू लगा के दिया। मगर भगवान के यहाँ ये नियम लागू नहीं है। भगवान कहते हैं अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं राम भी बन सकता हूँ, तो मैं सुंदर भी बन सकता हूँ, मैं परशुराम बन सकता हूँ, तो मैं धरती पर चलने वाला एक कछुआ भी बन। कहानी नरमत है तू करे नरहारी। इसी से भगवान की सत्ता प्रमाणित है, जो ऊंचे से भी ऊंचा है और नीचे से भी नीचा है, इसीलिए वो चलिए हमने कहा था कि बेटा ये लगोटी वालों का ही बल है, ये लगोटी वालों का ही बल है कि जहाँ सूखा पड़ा था वहाँ फसल ले ला रही है। अब बताइए किसकी फसल ला रही है वो श्रेष्ठ है कि जिसके बल पर लहरा रही है वो श्रेष्ठ है? अब बताइए इसमें विचार कर बोले अगर करवाया तो लिया नहीं। बेटा एक ऐसा प्राण बना जहाँ तुम्हारे वंश में तुम्हारे पिता ने एक चावल का कण भी भगवान शिव ब्रह्मणों को दिया हो, वो तुम्हारे यहाँ